जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दशहरा को लेकर के लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन है। इस बार वर्ष 2020 में पितृपक्ष के ठीक बाद अधिक मास बढ़ने के कारण पंचांग में भी थोड़ा बदलाव हो गया है। नवरात्रि में दसवीं तिथि की शुरुआत 25 अक्टूबर रविवार को 11:14 से शुरू हो रही है तथा दसवीं की समाप्ति 26 अक्टूबर सोमवार को 11:33 पर हो रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दशहरा दोनों दिन 25 और 26 को पड़ रहा है, पर ज़्यादा टाइम रविवार को मिल रहा है। इस हिसाब से दसवीं यानी दशहरा का त्यौहार 25 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जा रहा है। कुछ जगहों पर ये 26 अक्टूबर को भी मनाया जा रहा है। तो चलिए, ये बात तो हो गई दशहरा की कि अब दशहरा 25 को मनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस लॉकडाउन में कन्या पूजन कैसे करें, तो उसका कैसे उपाय करें। तो दोस्तों, उसका भी एक उपाय है कि अगर आपको कन्या नहीं मिल रही है और कन्या पूजन करना है, तो उसके लिए अगर आपके घर में एक छोटी कन्या है तो उसको देवी का एक रूप मानकर पूजा करके कन्या भोजन कराएं तथा शेष 8 कन्याओं के रूप में 8 सुपारी लें और 8 पान के पत्ते लें और उन हर एक पत्तों पर एक एक सुपारी रख कर के उसको कुमकुम तिलक चावल सिंदूर लगाकर पूजा करें और प्रत्येक सुपारी के सामने कन्याओं की जैसे प्लेट हम लगाते हैं खीर खिलाने के लिए प्रसाद, उसको हर सुपारी के सामने रखें और उसी तरह पूजा करें। फिर उसके बाद उस प्रसाद को गाय को खिला दें और जो दक्षिणा है उसको मंदिर में दान कर दें। इस प्रकार कन्या पूजन करने से नवरात्रि का पूरा फल प्राप्त होगा जो कन्या पूजन से मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आप सबकी दुविधा मिटाने के लिए बनाया है। आशा है आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। जय माता दी।